इसने शू पहना हुआ है, इसको हुआ क्या है? इसकी ना खुर में काफी ज्यादा गहरी इंजरी है, आधा खुर टूट भी गया है और इसका ब्लड लॉस इतना ज्यादा हुआ है, तो हम लोग इसका पट्टी करके रख रहे हैं ना, और पट्टी गीली ना हो, इन्फेक्शन ना हो, इसलिए इसको शू पहना रखा है। तो इसीलिए खड़ी नहीं हो पा रही सर, खड़ी तो वहाँ पर थी लेकिन ब्लड लॉस इतना ज्यादा हुआ है ना इसका कि ये वीक हो गई है बहुत। इसके ट्रीटमेंट सारी चल रही है सर, लेकिन ऐसा भी एक प्रॉब्लम है ना कि गाय प्रेग्नेंट भी है, और ऐसे स्थिति में उसको आगे कंटिन्यू करना कि भाई वो बच्चा भी हो तो वो सही नहीं लग रहा मुझे। तो माँ को बचाने के लिए हमें बच्चे का अबॉर्ट करना पड़ेगा, पर अगर हमें ऐसा ना भी करना पड़ता तो जब हम इन्हें छोड़ते तो माँ को तो दूध के लिए कोई बांध लेता और बच्चा दुख से भूख से सड़क पे ही दम तोड़ देता। और ऐसी सन्नाटे भरी मौत में ना मीडिया चैनल्स को कोई सनसनी नहीं मिलती, तो इसीलिए किसी की धार्मिक भावनाएं नहीं आहत होती, तो क्या पब्लिक, क्या पुलिस और क्या पॉलिटिशियन, सबके लिए बिजनेस एज यूजुअल चलता रहता है और गाय और बछड़े सड़क पे मरते रहते हैं। एक जो मुझे पूछना था, जो बैल मुझे सरा में दिखा था, मैंने जब गया था मैंने कहा था कि उसके यहाँ पे चोट है, मैंने पता करवा लिया था, उसको लोकेट भी करवा लिया था हमने वहाँ के लोकल रेसिडेंट से, लेकिन जब हम उसको रेस्क्यू करने गए, हम उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो दौड़ने लगा डर के मारे। आप लोगों ने डार्ट क्यों नहीं मारा उसको? डॉक्टर हिमांशु भी नहीं थे, साहिल भी नहीं था, बाकी लोगों को मैंने बोला पहले आप बनानास वगैरह से ट्राई करो। अब डॉक्टर गुलशन और साहिल दोनों गए हुए थे स्पीति, क्योंकि वहाँ पे हमारा स्टरलाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है और डॉक्टर हिमांशु यहाँ पे अकेले डॉक्टर, तो उनको हम भेज नहीं सकते थे। तो आपने हफ्ता लगा दिया गाड़ी भेजने में ना, तब भी, क्योंकि जब मैंने फोन किया था पिछले हफ्ते सर, जब आपसे मेरी बात हुई थी, मैंने तुरंत जितेंद्र जी जो हमारी काफी हेल्प करते हैं सरा में, उनसे बात कर ली थी, जब उन्होंने लोकेट किया बैल को, उन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने तुरंत गाड़ी भेज दी थी। वहाँ जब हम रेस्क्यू करने के लिए फाइनल कॉल लेने लगे, डार्ट गन यूज करनी थी, तब एक लेडी आई वहाँ और उन्होंने बोला ये बैल मेरा है, आप इसको नहीं लेके जा सकते, मैं ट्रीटमेंट करूँगी पूरी ना, तो थोड़ी सी अग्रेसिव भी हो रही थी और नवीन से बात हुई थी उनके, वो बोल रहे थे कि ये बैल हमारा है, मतलब और उनके बात गई थी, वो उनके साथ छोड़ा था तो कहा तो था, तो वही इलाज कर देना था, हमने वैसे ही रेस्क्यूज कहाँ लाने, इतने तो भर रखे सर, लेकिन उन्होंने बोला ना कि मैं कर लूँगी वो खुद से। वो बैल हमारा ही है, लोग जानवरों को गाय को छोड़ते जंगल में ना, जब जो गाय होती है वो उससे खराब हो जाती है, तो उसने इसलिए बोल दी कि मेरा है। जितेंद्र भैया ने बोला कि ये इनका नहीं है, क्योंकि जो अपना बैल होता है तो पकड़ में आता है। हाँ, वो तो आदमी देख के भाग रहा था, वो झूठ बोल रही है, वो ईट मारने गाय के। तो उसके बारे में आई एम श्योर दोबारा कॉल आएगी उसको यार। कॉल आई है दोबारा, मैंने उनको बोल दिया है कि जो भी कॉलर थे हमारे इन्फॉर्मर, उनको मैंने बोला है कि जैसे ही लोकेट करो आप उसको, आप मुझे कॉल कर दो, हम गाड़ी भेज देंगे, लेकिन वही है कि इस बार ट्रीटमेंट वहीं करनी पड़ेगी हमें। पर अगर उस लेडी का बैल नहीं है वहाँ नहीं कर सकते ट्रीटमेंट। प्रॉब्लम हमारे को ना ये आ रही है कि बारिशें हो रही हैं बहुत ज़्यादा, पीछे का भी सारा मैदान गीला है और हमारे पास कुछ ही जगह है जो कवर्ड है, और वो सारी अभी रेजिडेंट एनिमल ले लेते हैं, हमारे पास 3-4 तो बकरे हो गए हैं, भेड़ हो गए हैं, खच्चर, घोड़े, और जब तक हम इन्हें शिफ्ट नहीं करेंगे किसी और जगह, हमारे पास नए रेस्क्यूज लाने की जगह सर, तो अभी जो पुराने रेस्क्यूज हैं उनको शटल करना पड़ेगा, उनकी हीलिंग के बाद जब वो रिलीज हो गए तब इनको जगह मिल पाएगी अंदर, और उसके वजह से इनके खुर में, जैसे चार्ली के भी खुर में प्रॉब्लम आई, ये भाई साहब का भी जो खुर है घाव उसका ओपन हो गया ना बारिश की वजह से, चार्ली के भी खुर में प्रॉब्लम आ रही है सर, बीच बीच में घाव हो जा रहा है, इसलिए हमने इसको इस चीज तरफ अभी रखा है, पीछे वाले काउ शेड के पास नहीं छोड़ रहे हम, बहुत गहरा नहीं है, है सर खुर में नीचे की साइड में, वो नमी मिट्टी की वजह से हो जाता है, इसलिए अभी हमको चरण दास को भी और चाचू को भी यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, पीछे की मिट्टी बहुत गीली है, लेकिन अब यहाँ भी रखेंगे तो हमारे पास शेड वाला एरिया इतना है, और फिर इतने सारे हमारे 5 घोड़े हैं, 2 शीप है, अब 4 बकरे हो गए हैं हमारे पास, तो जगह नहीं बन पा रही है बिल्कुल भी। और डॉग्स हमारे पास सबकी बार क्या रेस्क्यूज आए हैं? 5 डॉग्स हुए हैं, एक पपी रेस्क्यू आया है, किटन भी तो आए हैं ना, 3 रेस्क्यू हुए हैं इस बार, एक तो कल ही मुझे मिला वॉक पे, डॉग हमारे साथ एक जाता है वॉक पे, तो वो अचानक से झाड़ियों में जाके ऐसे खोजने लगा ना, तब हमने देखा, हमें लगा सांप होगा, हम उसको हटाने गए तो वहाँ एक छोटी सी किटन थी, पूरा एरिया हेल्दी है ना। हाँ हेल्दी है, और एक वो बिचारी किटन आई है जिसकी पूरी आँख ही निकली हुई थी। हाँ सर, उस काफी पुराना इंजरी था, तो इसलिए हमने उसी दिन ऑपरेट करना बेटर समझा, और सर्जरी सक्सेसफुल रही है, हीलिंग अच्छी चल रही है अभी किटन की, लेकिन जो एक किटन आई थी चड़ी से उसको ब्लोटिंग थी, इसका पेट इतना फूला हुआ है, ये सुबह से ना चल रहा है ना खा रहा है, कुछ भी नहीं है, शायद उसने कुछ गलत खा रखा था, बहुत छोटी सी किटन थी तो उसको तो हम नहीं बचा पाए। एक पपी भी है ना जिसके भी सेम आई में प्रॉब्लम थी, उसकी सर्जरी ऑलरेडी उसके केयरटेकर्स ने करवा दी थी। मेरा साथी है ना एक्चुअली, उनको रास्ते में मिला था, उन्होंने एक दो दिन ट्रीटमेंट किया था इसका,
वो बैड कंडीशन में था, आंख बाहर निकला था बोलते हैं, उसमें कीड़े लगे थे बोलते हैं। फिर इन्होंने होल्टा में ले जाके इसका एक दो दिन पूरा ट्रीटमेंट किया, सर्जरी कराया। मेरे को नहीं लगता कि वो पपी स्ट्रे है, ये काफी हेल्दी पप था, बहुत शैतान है। ओ, ये वही है जिसको नेहा फॉस्टर कर रही है। सर वो केज में एक सेकंड भी नहीं रहना चाहता है, हल्ला डालता है बहुत ज्यादा। और प्रॉब्लम ये आती है ना कि बाहर भी रखने से वो चीजों में जाके इचिंग करने की कोशिश करता है, आई वाले एरिया में। हमने कोन भी पहना रखा है, लेकिन एक बार उसने अपना सूचरिंग खोल दिया था तो उसकी सूचरिंग भी हो चुकी है। अभी वो बरकरार अभी तो है सर, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं, बहुत शैतान पपी है, बहुत शैतान। और बाकी तो एक्सीडेंट केसेस हैं मोस्टली। हाँ सर, एक डॉग है जिसके पीछे के दोनों पैरों में फीमर फ्रैक्चर है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए हम एक्सरे कराएंगे। डॉग का स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है पीछे वाले हिस्से में और पेन बहुत है, तो हम ठीक से डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे हैं अभी। तो उसको पेन किलर्स पे रखा है, स्वेलिंग थोड़ी सी कम हो जाए, एक्सरे हो जाए, उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे उसके लिए। पता है, हम पेन किलर्स लगा देते हैं, हमें लगता है चलो जानवर राहत में है। मेरी अभी एक फ्रेंड है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, वो हॉस्पिटल में, उसकी टांग टूटी हुई है पूरी, वो पेन किलर और जो भी ड्रग्स होती हैं वो उसको दी जा रही हैं, पर फिर भी वो असहनीय दर्द में है। पर ये इंसान बोल लेते हैं, जानवर तो हमें बता भी नहीं पाता। और हम लास्ट पेन किलर कितने बजे देंगे? 6 बजे देंगे हद से, लेकिन तो 12 घंटे से ऊपर वो बिना पेन किलर के ही होते हैं। एक तो वो है जिसकी हड्डी दिख रही है पूरी। एक्सीडेंट हुआ इसका, कब? जीप के साथ हुआ एक्सीडेंट। वो रेड से केस आया है, मुझे लग रहा है केस काफी पुराना है, लेकिन उसमें मैगेट्स नहीं है, पूरा उसका बोन दिख रहा है, लेकिन फ्रेश वुंड नहीं है। इसका एम्पुटेशन ही करना पड़ेगा हमें, लेकिन अभी मौसम की वजह से हम थोड़ा सा पोस्टपोन कर रहे हैं। जैसे ही थोड़ा सा सनी डे होता है तब हम उसकी सर्जरी करेंगे, क्योंकि अगर नमी हुई मॉइस्चर की वजह से उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। सर इसके अलावा हमारे पास एक्चुअली एक ब्लैक डॉग भी आया था जिसकी उसी टाइम एक्सीडेंट हुई थी। सॉरी एक सेकंड मोनी, आपने स्प्लिंटिंग अपना सीख लिया जितनी सीखनी थी? ओके मोनी हमारे यहाँ वॉलेंटियर कर रही है, मोनी यहाँ पे एनिमल्स का ट्रीटमेंट सीखना चाह रही थी, खासकर स्प्लिंटिंग। अब हमारे यहाँ दिक्कत कई बार ये होती है, वॉलेंटियर्स आते हैं उनको सीखना होता है और हमारे पास होता है काम ज़्यादा, तो हम कहते हैं कि भाई थोड़ा आप सीखो और थोड़ा आप काम करो और ये एक्सपेक्टेशंस को बैलेंस करना ये ज्योति का काम हो जाता है। मैं तो यहाँ से कट लेता हूँ। सॉरी आप बता रहे थे। वो लोग उसको सुबह सुबह 9 बजे यहाँ पर ले भी आए थे, लेकिन डॉग बहुत ओल्ड थी, पेन में काफ़ी ज़्यादा थी और इंजरी स्पाइन में ही हुई थी डायरेक्ट। पेन किलर्स वगैरह सारे टाइम से लग गए थे, लेकिन दोपहर होते तक वो नहीं सर्वाइव कर पाए। अब इतनी डेथ और सफरिंग देख देख के ना मन उचाट सा हो जाता है, और शायद इसीलिए बहुत से लोग बर्न आउट होकर इस काम से पीछे भी हट जाते हैं। मन तो मेरा भी कई बार करता है कि छोड़ यार, पर फिर मुझे लगता है कि भाई अगर जीने के लिए जीवन की सच्चाई से मुंह मोड़ना पड़ रहा है ये तो बात बनी नहीं, तो जीना और जीते हुए अच्छा काम करना ले देके यही एक ऑप्शन बचती है। अपडेट्स तो अभी और भी हैं, रेस्क्यूज भी और आए हैं, आपको जो स्पीति से हमारी टीम वापस आई है उनसे भी मिलवाना है और सारे रेजिडेंट्स का भी अपडेट देना है, और रॉबिन के बारे में भी एक खास अपडेट है, पर ये सब हम आपको बताएंगे कल।